ना कोई अरमान रखती हूँ ना कोई फरमान करती हूँ, ना कोई अरमान रखती हूँ ना कोई फरमान करती हूँ, तहजीब से सुनो तो सुनने वालों का, दिलो जान से सम्मान करती हूँ, दिलो जान से सम्मान करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम यहाँ गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारा गणतंत्र दिवस को तैयार होने में, हमारा संविधान को तैयार होने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। यह संविधान ही है जो हमारे भारत देश के नागरिकों का कर्तव्य और अधिकार को बताता है। आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आपके सामने राष्ट्र और राष्ट्र एकता की कुछ बात रखना चाहती हूँ। यदि राष्ट्र को परिभाषित करूँ तो यह एक जमीन का छोटा टुकड़ा नहीं है। यह हमारा आधार, पालनहार, हमारी पहचान राष्ट्र है। मैं समझती हूँ कि राष्ट्र निर्माण एक बड़ा विस्तृत विषय है। अगर हमें राष्ट्र निर्माण करना है तो हमें अपनी सोच पर बात करनी होगी। मैंने जब माँ से कहा कि माँ बाहर कचरे वाला आया है, तो माँ ने मुझे एक जोर के थप्पड़ लगाया। मैंने पूछा, माँ थप्पड़ क्यों लगाया? तब माँ ने कहा, बेटा वह कचरे वाला नहीं है, वह सफाई वाला है। सोच बदलोगे तो देश बदलेगा। हमारे देश की सबसे बड़ी यही समस्या है, हमारी छोटी मानसिकता। अगर हमें राष्ट्र निर्माण के काबिल बनना है तो हमें बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ के साथ साथ बेटे को भी समझाना होगा और देश के काबिल बनाना होगा। मैं समझती हूँ कि राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा क्योंकि याद रखना, पैर की मोच और छोटी सोच हमें हमेशा आगे बढ़ने से रोकती है। अगर मैं संस्कृति की बात करूं, तो हमारे ही देश में हमारी ही संस्कृति पर लज्जा करते हैं। जब विदेशी कंपनियां भारत आई तो उन्हें यह स्पष्ट हो गया, अगर इस देश में व्यापार करना है तो इनको इनके वेद और विज्ञान से जुदा करना होगा। उन्होंने हमें उकसाया कि आप ये क्या कर रहे हो, आप नीम, तुलसी, कोयला, राख, ना जाने कैसी कैसी जड़ी बूटियों से दातुन करते हो। फिर आज जब वही विदेशी कंपनियां नीम और तुलसी के टूथपेस्ट बेचती है और हम ही से सवाल करती है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तब मुझे एहसास होता है कि हमारा विज्ञान कितना आगे था। मैं समझती हूँ कि हम विश्व गुरु हैं। जब हम अपनी संस्कृति पर शर्म नहीं गर्व करेंगे। भारत एक युवाओं का देश माना जाता है। भारत के युवा 100 मीटर की दूरी तय करने के लिए भी वाहनों का उपयोग करते हैं। भारत के युवा अपने दिमाग की खिड़कियां बंद रखकर किसी और के बहकावे में आकर अपने ही देश को नुकसान पहुंचाते हैं। भारत के युवा आजकल मोबाइल फोनों पर चुंबक की तरह चिपके रहते हैं। इन्हीं की वाहवाही में तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक व्यंग कसा था, ये पबजी वाला है क्या? भारत के युवा आजकल व्यर्थ में अपना समय बिताकर इसके बदले मैदान में जाकर फुटबॉल खेलकर अपना शरीर मजबूत बनाए और स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलकर अपना जीवन, अपनी जिंदगी निर्धारित करें। मैं समझती हमारे राष्ट्र निर्माण में एक नींव कही जाती है, वह है हमारे शिक्षक। यह एक शिक्षक की ही मेहनत थी जिन्होंने हमें स्वामी विवेकानंद जी दिए शिक्षक CLPL और सरकारी छुट्टियों को ध्यान ना देकर अपना पाठ्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त कक्षा लगाते हैं। इसके हिसाब से वह हमें माँ तुझे सलाम, जय हिंद आदि बहुत सारे महत्व भी समझाते हैं। मैं समझती हूँ कि मैं एक विद्यार्थी हूँ तो एक अच्छी विद्यार्थी बनूंगी। आप समझते हैं, आप एक शिक्षक है तो एक अच्छे शिक्षक बने, आप एक नेता है तो अच्छे नेता बने, आप एक अभिनेता है तो अच्छे अभिनेता बने। मैं अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी के साथ करूंगी और आप अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी के साथ करें। देखते हैं कौन रोकता है इस भारत को महान शक्ति बनने से। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि भारत एक विविधताओं का देश माना जाता है। यह हमारी खामी भी है और हमारी खूबी भी है और इसी का फायदा कई बाहरी शक्तियों ने उठाया है।
अंत में इतना ही कि सब एक रहे और साथ रहे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।